नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल सियासी तारखा पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कृषि उपकरण के बारे में, जिसके अंदर जो सब्सिडी है वो दी जा रही है। उसके अंदर मैंने वीडियो बनाई थी, आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, फिर भी कुछ पॉइंट रह गए थे, हम उन पर आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले फार्मर कॉर्नर पर चलिए, अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर सेम, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ दिखाया गया है विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित वित्तीय वर्ष 2022-23, जो इसकी आवेदन करने की तिथि है 14/4/2022 है, 9/5/2022 तक आवेदन कर सकते हैं। व्यू पर क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको अंडरटेकिंग अपलोड करनी है, अंडरटेकिंग यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म, क्लिक हियर टू डाउनलोड। यह अंडरटेकिंग आपको जो फॉर्म है उसके अंदर लगानी है, 100 KB से कम साइज होना चाहिए। इसके अंदर आपका नाम, पिता का नाम, गांव का नाम व जिले का नाम, मैंने विभाग द्वारा जो भी आप कृषि यंत्र के लिए अप्लाई करें उसका नाम यहां लिखें, और आपका आधार कार्ड नंबर यहां आपको लिखना है। इसके बाद ये डिटेल मांगी गई है। अगले ऑप्शन में मेरा नाम इस तिथि तक वैध ट्रैक्टर है, आपके ट्रैक्टर की जो वैलिडेशन है उसकी डेट आपको यहाँ लिखनी है, जिसका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ लिखना है। इसमें आपको 9वें ऑप्शन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी पंजीकरण संख्या लिखनी है। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं, अपने गांव व जिले का नाम व मोबाइल नंबर लिखना है। अब बात करते हैं, आप जो नंबर है MFMB और मोबाइल नंबर व परिवार पहचान पत्र। दोस्तों, परिवार पहचान पत्र से अप्लाई नहीं हो रहा है, यह मैंने पहली वीडियो में बताया था। मोबाइल द्वारा भी आप कई बार रिकॉर्ड सर्च करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आपकी स्क्रीन पर आपको शो होता है, आप इसके द्वारा अप्लाई कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चेक योर डिटेल पर जाना होगा, और यहाँ मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर द्वारा अपना जो पिछला रिकॉर्ड है उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आप कॉपी कर सकते हैं और दोबारा से साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है सर्च रिकॉर्ड। सर्च रिकॉर्ड करने के बाद आपका रिकॉर्ड स्क्रीन पर होगा। व्यू डिटेल, यहाँ आप कैप्चरा फिल कीजिए। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको एक OTP प्राप्त होगा। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आप इस पर लॉगिन हो जाएंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, इसमें आपको अपनी कैटेगरी जो चूज करनी है, यहाँ आपका पैन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, जो ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ज़मीन कितनी है, तीन जो उपकरण है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ दिए गए ऑप्शन में आपको पैन कार्ड और RC जो 100 KB है उससे कम साइज में PDF आपको अपलोड करनी है। जो अंडरटेकिंग है वहाँ से डाउनलोड किया था आपको यहाँ पर लगाना है। अब देखते हैं दोस्तों, आप 100 KB से कम साइज में PDF आसानी से कैसे बना सकते हैं। स्कैन टू ऑप्शन का चयन करने के बाद स्कैन PDF फॉर्मेट का चयन करें और यहां फाइल का नाम दें। सेव पर क्लिक करने के बाद यहां से प्रिंटर का चयन करें। इसके अंदर आप कम या ज़्यादा DPI में जो स्कैन कर सकते हैं, हम 100 DPI पर स्कैन करते हैं। DPI का चयन करने के बाद स्कैन पर क्लिक कीजिए। हमारी फाइल जो 100 KB पर स्कैन हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, यदि आप अन्य पेज भी स्कैन करना चाहते हैं तो यस का चयन करें, वरना नो का चयन करें। आपकी जो PDF फाइल है वो तैयार हो चुकी है, आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं और इसके साइज को भी देख सकते हैं आप, 100 KB से कम इसका साइज है। दोस्तों, इस प्रकार आप जो अपनी PDF फाइल है वो आसानी से बना सकते हैं और जो फार्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।